गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंडीगढ़। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग। और क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब मजे कर रहे हो। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, हम आ गए हैं चंडीगढ़ और मनीषा मेरे साथ आए थे क्योंकि उन्होंने जाना था राजस्थान शादी में और मैंने रहना था यहीं पे। तो हमने सोचा थोड़ा मजे करेंगे, 8 दिन आए यहाँ पे, घूमेंगे फिरेंगे और थोड़े मनीष भैया ने शादी के लिए शॉपिंग करनी थी। पर प्लान अगर आपके अकॉर्डिंग होने लगे तो फिर आप इंसान थोड़ी ना हुए और कुछ चीज़ें हो जाती हैं अनएक्सपेक्टेडली। पे तो हम आ गए, बाल हमने कटवाए नहीं, बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, खाने पहले खाने हेयर बंद कट है, कराना है। खाने नहीं मिले। यार सुबह उठते ही हम हेयर कट कराने चले हैं, खाना तो खाया ही नहीं, कब तक आ रहे तो हो? पहले खाना खाएंगे और फिर जाएंगे। तो क्या कहते हो, कैसे हेयर कट कराना चाहिए? बाल तो यार बहुत लंबे हो पहले गए थे। जाओगे? दो परौंठे खिलाए थे साथ मैंने, मुझे नहीं पता था हम दो परौंठों का बदला इतना लंबा जाएगा। मतलब एक बार्बर की शॉप पे जाना था और इनका वो वाटर बार्बर 3 किलोमीटर तक आ ही नहीं रहा, चलते चलते हालत ख़राब हो गई थी भाई साहब। चलते चलते 2-3 किलोमीटर तो हम आ गए हैं, 3 किलोमीटर वापस जम्मू पहुंचने मैं वाले बोल रहा हैं। गाइस, कितने हो गया? 1.5 किलोमीटर तो हो गया। हाँ इतना हो हाँ, गया। 1.5 किलोमीटर ले आए हैं ये, दुकान नहीं आ रही भाई। अब कह रहे हैं कहाँ पे है दुकान, और ये देखो कहाँ ले आए हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है अभी अभी ये इलाका बन रहा है, लोग भी नहीं शिफ्ट हो अभी यहाँ। भाई घर से ऐसे निकलते हैं, अब शक्ल देख लो इतने दूर कहाँ ले आए थे? कुछ कहना नहीं चाहता मैं, मेरा मन नहीं कर रहा उस बोलने का। क्या कहते हो भाई, ऐसे रह लूँ? दाढ़ी ठीक है, दाढ़ी पे उठा लेता हूँ। कुछ सेटिंग अपनी बाद में हो रही है तो अभी ये स्पा वगैरह करना था। ये बंदा यहाँ आके सोफे पे सो गया, सोचा ये नहीं थोड़े दिन ऐसे बैठ जाऊँ, पर नहीं, 2 घंटे ही नींद पूरी किया सुनने में। आप इतना ही सोते हो भाई? आप इतना क्यों कराते हो भाई स्पा? कोई नहीं, कट कर देते हैं इसको। स्पा अपना करवाए और बाल, भाई बाल कैसे अच्छे हो गए देखो यार इनके। ना जब मैंने कलर करा था पिछली बार तो रफ हुए थे बाल बहुत ज़्यादा, अब सही हो गया। सब कुछ करने के बाद चले गए मार्केट, मार्केट का रश तो बहुत ज़्यादा था, तो कुछ शॉप्स में घुसे, कपड़े देखे, ट्राई किए और फिर प्लान किया कि लेते हैं। निकलते हैं घर से, उससे पहले थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं, थोड़े डंबल डुम्बल मार लेते हैं, क्या पता कब कोड मिल जाए अपनी अपने क्या बोलते हैं उसको, किस्मत। किस्मत को कोई भरोसा नहीं होता, जो किस्मत में लिखी है कभी मिल सकती है। थोड़ा वर्कआउट करते हैं फिर निकलते हैं। वर्कआउट अपना हो गया तो अब निकलना है, कपड़े लेने हैं। 10-15 मिनट वाला ऑटो मिल गया, अब जाएंगे निकलते हैं, ऑटो की सवारी करेंगे। सुबह नाश्ते के साथ चाय और फॉर्मल कपड़ों के साथ फॉर्मल शूज़ ना हो तो मज़े नहीं आते। तो उसके बाद कहाँ जाने वाले थे आपको पता है? ओ सॉरी गाइस, ये हमारे सेक्शन नहीं है, हटाओ भाई इसको, गलती से गलत सेक्शन में आए गाइस। शूज़ लेने आ गए थे, अब हम लोग शूज़ लेंगे और फिर यहाँ से पूरा फ्री होके जाएंगे, निकलना भी है। तो थोड़ा सा प्लान गड़बड़ हो गया, हमने सोचा था घूमेंगे थोड़ा, मज़े करेंगे, पार्टी करेंगे, पर चलो कोई नहीं, ये दिन भी बहुत सही था, आराम से शॉपिंग हो गई हमारी और इसके बाद हम चले गए पेट पूजा करने। और भाई जब तक राजमा अंदर ना जाए भाई रोटी पूरी नहीं होती, राजमा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देख ली वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो यार। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइस, चीयर्स।